हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में राजस्थान पीटीटी 2022 की परीक्षा के लिए मॉडल पेपर नंबर 18 सॉल्व करेंगे। इस मॉडल पेपर में प्रीवियस ईयर के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया गया है और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूं कि एग्जाम में सेम बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करते हैं, जिससे कि आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये हमारा राजस्थान पीटीटी 2022 की परीक्षा के लिए मॉडल पेपर नंबर 19 होगा। एग्जाम जो है आपका 3 जुलाई 2022 को आयोजित किया जाएगा। सभी क्वेश्चन के आंसर आपको कॉमेंट बॉक्स में बताने हैं और अपना स्कोर भी शेयर करना है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अजरक प्रिंट किस संस्थान की प्रसिद्ध है? ऑप्शन है आपके ए जोधपुर, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी सीकर, ऑप्शन डी बाड़मेर। अजरक प्रिंट किस संस्थान की प्रसिद्ध है? तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बाड़मेर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक बकरियां मिलती हैं? ऑप्शन ए जैसलमेर, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी बाड़मेर, ऑप्शन डी पाली। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बाड़मेर। तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, किराडू मंदिर ये कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी बूंदी, ऑप्शन सी बाड़मेर, ऑप्शन डी कोटा। किराडू मंदिर ये कहां पर स्थित है? तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, किराडू मंदिर बाड़मेर में स्थित है। गाइस चौथा क्वेश्चन, प्रसिद्ध कैला देवी मेला कहाँ आयोजित होता है? ऑप्शन ए भरतपुर, ऑप्शन बी टोंक, ऑप्शन सी दौसा, ऑप्शन डी करौली। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्रसिद्ध कैला देवी मेला जो है ये करौली में आयोजित होता है। पांचवा क्वेश्चन, महाशिवरात्रि पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? करौली, ऑप्शन भरतपुर, ऑप्शन सी सवाई माधोपुर, ऑप्शन डी धौलपुर। महाशिवरात्रि पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, करौली। गाइस छठा क्वेश्चन, अकबर ने चित्तौड़गढ़ के किले पर अपना अधिकार कब किया? ऑप्शन ए 25 फरवरी 1568 ईस्वी, ऑप्शन बी 15 फरवरी 1572 ईस्वी, ऑप्शन सी 6 जून 1576 ईस्वी, ऑप्शन डी 25 फरवरी 1572 ईस्वी। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 25 फरवरी 1568 ईस्वी। सातवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किस मुगल शासक ने राजा जय सिंह को मिर्जा की उपाधि प्रदान की थी? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, शाहजहां। आठवां क्वेश्चन, किस मारवाड़ शासक ने मुगल सम्राट औरंगजेब के साथ सहयोग की नीति अपनाई थी? ऑप्शन ए उदय सिंह, ऑप्शन ई मालदेव, ऑप्शन सी जसवंत सिंह, ऑप्शन डी जय सिंह। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जसवंत सिंह। नवा क्वेश्चन, मुगल सम्राट अकबर ने 1574 ईस्वी में किसे जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था? ऑप्शन ए यूसुफ खान, ऑप्शन बी कल्याणमल, ऑप्शन सी राय सिंह, ऑप्शन डी जय सिंह। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राय सिंह। दसवां क्वेश्चन, कर्नल जेम्स टॉड ने किस शासक को सैनिक भागना की उपाधि प्रदान की थी? ऑप्शन ए महाराणा प्रताप, ऑप्शन बी महाराणा सज्जन सिंह, ऑप्शन सी राणा सांगा, ऑप्शन डी उदय सिंह। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राणा सांगा। ग्यारहवां क्वेश्चन, हर्ष की पहाड़ियां ये कहां पर स्थित हैं? ऑप्शन ए सिरोही, ऑप्शन बी सीकर, ऑप्शन सी झुंझुनू, ऑप्शन डी श्रीगंगानगर। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, 56 का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है? ऑप्शन ए पूरी भाग, ऑप्शन बी दक्षिणी भाग, ऑप्शन सी पश्चिमी भाग, ऑप्शन डी उत्तरी भाग। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दक्षिणी भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, जनसंख्या के अनुसार राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? ऑप्शन ए धौलपुर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी जैसलमेर, ऑप्शन डी बाड़मेर। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जैसलमेर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
गाइस 14वां क्वेश्चन, राजस्थान के किस क्षेत्र में रासायनिक गुणों की दृष्टि से खारा जल पाया जाता है? ऑप्शन ए पश्चिमी क्षेत्र, ऑप्शन बी उत्तरी क्षेत्र, ऑप्शन सी मध्य क्षेत्र, ऑप्शन डी दक्षिण क्षेत्र। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पश्चिमी क्षेत्र, ये आपको ध्यान में रखना है। 15वां क्वेश्चन है गाइस, राजस्थान किस आंदोलन में अग्रणी है? ऑप्शन ए कृषि विपणन, ऑप्शन बी सहकारिता, ऑप्शन सी समितियां, ऑप्शन डी सहकारी बैंक। पी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सहकारिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में डेयरी विकास हेतु राजस्थान सहकारी डेयरी संघ की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए 1966, ऑप्शन बी 1977, ऑप्शन सी 1960, ऑप्शन डी 1778। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1977। गाइस 17वां क्वेश्चन, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? ऑप्शन ए द्रविड़, ऑप्शन बी चीनी तिब्बती, ऑप्शन सी भारोपीय, ऑप्शन डी ऑस्ट्रिक। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, भारोपीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इसमें से आपको एक ऑप्शन चूज करना है, आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कृपा। 19वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? सागर, ऑप्शन बी जादूगर, ऑप्शन सी नगर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जादूगर। गाइस 20वां क्वेश्चन, का वर्ण किसके योग से बना है? का वर्ण किसके योग से बना है? डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, का प्लस आ, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है? ऑप्शन ए लौकिक संस्कृत से, ऑप्शन बी वैदिक संस्कृत से, ऑप्शन सी पाली प्राकृत से, ऑप्शन डी अपभ्रंश से। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अपभ्रंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए विस्थापित, ऑप्शन बी अविस्थापित, ऑप्शन सी संस्थापित, ऑप्शन डी संस्थाजित। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विस्थापित। अगला क्वेश्चन है गाइस, पूरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द क्या होगा? बुरे उद्देश्य की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द क्या होगा? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके अगला क्वेश्चन देखिएगा, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है के लिए एक शब्द क्या होगा? वाग्दत्ता, ऑप्शन बी वाग्दान, ऑप्शन बी वाग्वन, ऑप्शन डी वाग्दत्त। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन है गाइस, ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए आकाश कुसुम, ऑप्शन बी आकाश व्रति, ऑप्शन सी आकाश सलिल, ऑप्शन डी आकाश फल। जो भी बच्चे बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, आकाश व्रति। गाइस 26वां क्वेश्चन, युद्ध की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? योद्धा, ऑप्शन बी युद्धरत, ऑप्शन सी युद्धवीर, ऑप्शन डी युद्धसु। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, युद्धसु। अगला क्वेश्चन है गाइस, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 315, ऑप्शन बी अनुच्छेद 368, ऑप्शन सी अनुच्छेद 343, ऑप्शन डी अनुच्छेद 385। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 343। 28वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन है? ऑप्शन ए पद्मावत, ऑप्शन बी रामचरितमानस, ऑप्शन सी पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन डी रामचंद्रिका। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो। अगला क्वेश्चन, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? ऑप्शन ए एकाक्षरी, ऑप्शन बी भारतीय, ऑप्शन सी द्रविड़, ऑप्शन डी सेमेटिक। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, भारतीय। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नांकित में मूर्धा व्यंजन कौन सा है? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। मूर्धा व्यंजन कौन सा है? तो टा से टमाटर, ठा से ठठेरा, डा से डलिया, ढा से ढक्कन। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
31वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी? ऑप्शन ए स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन बी राधा कृष्ण समिति, ऑप्शन सी बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन डी तारापुर समिति। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, स्वर्ण सिंह समिति। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पार्टी की सरकार ने वर्ष 1978 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करने की घोषणा की थी? ऑप्शन ए जनता दल, ऑप्शन बी भारतीय जनता दल, ऑप्शन सी संयुक्त लोकतांत्रिक दल, ऑप्शन डी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जनता दल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 15, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 11, ऑप्शन डी अनुच्छेद 13। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 15। 34वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का स्थान ले लिया है जिसे डैश में लागू किया गया था? ऑप्शन ए 1984, ऑप्शन बी 1988, ऑप्शन सी 1986, ऑप्शन डी 1989। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1986। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यूएसएसआर से लिया गया था? ऑप्शन ए पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी समवर्ती सूची, ऑप्शन सी प्रस्तावना, ऑप्शन डी मौलिक अधिकार। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पंचवर्षीय योजना। 36वां क्वेश्चन है गाइस, मथुरा के कला स्कूल में मूर्तियां बनाने के लिए किसका प्रयोग किया गया? ऑप्शन ए संगमरमर, ऑप्शन बी स्टेट स्टोन, ऑप्शन सी ग्रेनाइट, ऑप्शन डी लाल बालू का पत्थर। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लाल बालू का पत्थर। अगला क्वेश्चन, कौन सा प्राचीन नाटक वसुमित्र द्वारा यवनों पर विजय के संबंध में है? ऑप्शन ए रघुवंश, ऑप्शन बी मालविक्रमित्र, ऑप्शन सी हर्षचरित, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, गुप्त काल का कानून किस पर आधारित था? ऑप्शन ए मनुस्मृति, ऑप्शन बी याज्ञवल्क्य स्मृति, ऑप्शन सी पराशर स्मृति, ऑप्शन डी व्यास स्मृति। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके 39वां क्वेश्चन, गलत कथन छांटिए। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, चार ऑप्शन है आपको एक चूज करना है, आपको गलत कथन बताना है, इसमें गलत कथन कौन सा है? तो टी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यजुर्वेद ने 10 राज युद्ध का वर्णन है। 40वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्न में से किसने बताया है कि ब्रह्मांड का प्रत्येक पदार्थ निश्चित कणों द्वारा निर्मित है? ऑप्शन ए कपिल, ऑप्शन बी कणाद, ऑप्शन सी व्यास, ऑप्शन डी पतंजलि। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कणाद। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस, क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी असम। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, केरल। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगी हुई हैं? ऑप्शन ए एक, ऑप्शन बी दो, ऑप्शन सी तीन, ऑप्शन डी चार। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तीन। 43वां क्वेश्चन है गाइस, कौन सा राजस्थान का मरुस्थली जिला नहीं है? ऑप्शन ए कोटा, ऑप्शन बी बाड़मेर, ऑप्शन सी जैसलमेर, ऑप्शन डी चूरू। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कोटा। 44वां क्वेश्चन देखिएगा, किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी कर्नाटक। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, केरल। अगला क्वेश्चन, भारत में किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी गुजरात। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गुजरात। 46वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि? ऑप्शन ए राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, ऑप्शन बी उसका अपना लिखित संविधान है, ऑप्शन सी उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है, ऑप्शन डी उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गैस अगला क्वेश्चन, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है? ऑप्शन ए सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, ऑप्शन बी
भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, ऑप्शन सी भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, ऑप्शन डी भारत राज्यों का संघ है। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। 48वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया, ऑप्शन ए 42वां, ऑप्शन बी 43वां, ऑप्शन सी 45वां, ऑप्शन डी 51वां। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 42वां। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है, ऑप्शन ए राजनीतिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, ऑप्शन बी सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, ऑप्शन डी गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करना, ऑप्शन डी सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाए, गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करना। तो आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा गाइस, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है, ऑप्शन ए 6वीं, ऑप्शन बी 7वीं, ऑप्शन सी 8वीं, ऑप्शन डी 9वीं। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 7वीं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल पर पहले आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले नए वीडियो से नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जय हिंद जय भारत।